हेलो फ्रेंड्स, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू माय चैनल उफ अमेजिंग वर्ल्ड। ये जानवर इंसान की फीलिंग्स को समझता है। इस जानवर का जब जन्म होता है तो ये अंधा और बहरा भी होता है, और इस जानवर की आंखों पे 3 पलकें होती। ये जानवर अगर हर मौसम में रास्ते पे तेज दौड़ सकता है तो पानी में तैरने में भी पीछे नहीं है। एक ऐसा जानवर जो अपने मालकिन के साथ दिन रात रहता था, फिर क्या हुआ। एक ऐसा जानवर जिसने अपने मालिक का इंतजार अपनी आखिरी सांस तक किया था। आखिर मालिक कहाँ गया था दोस्तों? मालिक से ज़्यादा मशहूर था, और लोग इतना प्यार करते थे इस जानवर से। आपको जान के आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि इस जानवर में 13 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उफ अमेजिंग वर्ल्ड। ये जानवर जब दुनिया में आता है तो संसार में जब जन्म होता है इसका तो अंधा और बहरा होता है। लेकिन आश्चर्य और हैरान कर देने वाली बात ये है, जब इस जानवर में 13 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, जबकि इंसान में सिर्फ 4 तरह के ही ब्लड ग्रुप होते हैं, AB O और AB ब्लड ग्रुप होते हैं। यही वजह है कि इस जानवर में इंसान से 1000 गुना ताकत ज़्यादा होती है सूंघने की। अगर इनमें सूंघने की शक्ति सभी जानवरों से ज़्यादा होती है तो ये जानवर अपने मालिक से वफादारी में भी सबसे पहले नाम पे आते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किसकी वफादारी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम कुत्ते की वफादारी की बात कर रहे हैं। दुनिया का सबसे वफादार कुत्ता, जिसका नाम था हैच, को ये दुनिया का सबसे वफादार कुत्ता कहा जाता है। शायद ये बात मानने वाली नहीं है, ना यकीन करने वाली बात है, लेकिन दोस्तों ये सच है। हैच को नाम का कुत्ता जो अपने मालिक के घर पे रहता था, मालिक जब ऑफिस जाता था तो ये कुत्ता अपने मालिक को बाहर तक भेजने आता था, और शाम को ये कुत्ता उसी जगह पे अपने मालिक के लौटने का इंतज़ार करता था। रोज़ का यही नियम था, यही काम था मालिक को बाहर तक भेजना। यहाँ तक कि मालिक जब अपनी कार में बैठ जाता था और कार जब तक नज़र आती थी, कुत्ता उसी जगह खड़ा रहता था और वो कार देखता रहता था। बाद में वो मालिक के घर लौटने का इंतज़ार करता था। लेकिन एक दिन मालिक का एक्सीडेंट हो गया, मालिक मर गया। दोबारा मालिक घर पे लौट के नहीं आया, लेकिन ये कुत्ता घर से निकलकर उसी समय उसी जगह अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा था। ये कुत्ता उसी जगह खड़े बैठे 10 साल तक, जी हाँ 10 साल तक अपने मालिक का इंतज़ार किया। इंतज़ार करते करते उसी जगह कुत्ते ने दम तोड़ दिया, यानी मर गया। इस तरह दुनिया का सबसे वफादार कुत्ता साबित हुआ। इस जानवर में, यानी कुत्ते में, खासियत ये भी है कि ये इंसान की और खासकर अपने मालिक की फीलिंग समझता है, ख़ास करके अपने मालिक का स्वभाव भी समझता है। ये दोस्तों ऐसे ही कुत्ता जो अपनी मालकिन के साथ रहता था, ऐसे ही एक मैक्स नाम का कुत्ता जो अपनी मालकिन मॉरिन के साथ दिन रात रहता था। बताते हैं ये मैक्स पूरे घर में उछल कूद करता रहता था, और जब अपनी मालकिन मॉरिन के पास जाता था तो गोद में बैठ जाता था और भी खुश हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये मैक्स नाम का कुत्ता उदास रहने लगा। जब मैक्स अपनी मालकिन की गोद में जाता तो बिल्कुल चुपचाप रहता था। इसी बीच मालकिन की भी तबीयत कुछ बिगड़ गई, कुछ बीमार होने लगी, हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने बताया मॉरिन को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। मॉरिन का इलाज शुरू हो गया और मॉरिन धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब मॉरिन धीरे धीरे ठीक होने लगी हो रही थी तो उनका मैक्स नाम का कुत्ता भी पहले जैसा उछल कूद करने लगा था। वह मालकिन की गोद में जाता तो खुश रहता था। तो मालूम ये हुआ, कुत्ते को पहले मालूम हो गया था कि उसकी मालकिन को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है और बचने की उम्मीद नहीं है अगर इलाज ना होता, इसीलिए उदास रहने लगा था। यानी कुत्ता इंसान की फीलिंग्स को समझता है। ये किस्सा 2008 लंदन का है दोस्तों। एक मशहूर कुत्ता जिसका नाम मैकग्रेगर था, ये कुत्ता इतना मशहूर था और लोग इस कुत्ते से इतना प्यार करते थे कि कुत्ते के मालिक पीटर्सबर्ग के रहने वाले जोसेफ डडी को इस कुत्ते के नाम से हर साल 20 से 25 हज़ार क्रिसमस डे
बधाई कार्ड आते थे। दोस्तों वैसे औसतन उम्र 10 से 15 साल तक जीते हैं ये, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मैगी नाम का कुत्ता 29 साल 4 महीने तक जीवित रहा। सबसे लंबी उम्र पाने वाला मैगिया नाम का ये कुत्ता गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम लिखा गया। आपको शायद मालूम हो या हम आपको बताते हैं कि कुत्ते की 3 पलकें होती हैं। जी हाँ, कुत्ते की 3 पलकें होती हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल उफ अमेजिंग वर्ल्ड। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई यूट्यूब चैनल उफ अमेजिंग वर्ल्ड।